हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्टैक्ट मोबाइल इंडिया पे। मैं हूं कौस्तव, कॉन्टैक्ट मोबाइल इंडिया का फाउंडर और हेड इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करने वाले हैं कि लड़ाई में आप कैसे खड़े होते हैं। क्राउड भंगा आपको तीन तरीके देता है खड़े होने के लिए, पैसिव स्टांस, सेमी पैसिव स्टांस और फाइटिंग स्टांस। अब हम देखते हैं ये तीन चीजें क्या होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव स्टांस की। पैसिव स्टांस आपका, अगर ये डॉक्यूमेंट में खड़ा है, ऐसे होता है जैसे हम नॉर्मली खड़े होते हो, मतलब कि इसको हम दोस्तों कहते हैं नॉन रेडी स्टांस। अगर आप देखेंगे आप बस ऐसे ही नॉर्मली खड़े हैं, आपके हाथ नीचे हैं, आपके पैर वाइड है और आप सीधा देख रहे हैं, इसको आप नॉन रेडी स्टांस भी कहते हैं। इस पोजीशन पे हम ज्यादातर लाइफ में खड़े रहते हैं जब हम फाइट के लिए नहीं रेडी होते हैं। ये स्टांस बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। अगर कोई हमें अटैक करता है तो हमारा हाथ कभी टाइम के ऊपर नहीं पहुंच पाता और हमको अटैक लग सकता है क्योंकि हम बिल्कुल भी रेडी नहीं है। दूसरा टाइप का जो हमारा स्टांस है उसको हम कहते हैं सेमी पैसिव स्टांस। अब सेमी पैसिव स्टांस क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि एक फाइट शुरू होने से पहले थोड़ी सी बहस आती होती है या कोई प्री फाइट सिचुएशन होती है जिसमें गाली गलौज या कोई भी धमकियां या हमारी बहस होने शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आप, जैसे हमने दिखाया था, अगर आप ऐसे ही खड़े हुए हैं और किसी ने आप पे अटैक कर दिया तो फिर तो कोई भी आप पे आपको अटैक कर सकता है जब आप रेडी नहीं रहेंगे। तो इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? जब कोई हम पे अटैक करने आ रहा है या हमसे कोई गाली गलौज कर रहा है तो हमें बोलना चाहिए, अच्छा भाई शांत हो जाओ, क्या चाहिए, शांत हो जाओ। तो अगर अब ये बंदा हम पे अटैक करेगा तो हमारा हाथ ऊपर है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हम ये नहीं दिखा रहे इसमें कि हम लड़ाई करने के लिए रेडी हैं, हम अपने हाथ ऊपर नहीं ले रहे। अगर हमने हाथ ऐसे ऊपर ले लिया लड़ाई करने को रेडी है वो बंदा और भड़क जाएगा और शायद आपकी लड़ाई हो जाएगी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, कि हम बच जाए। तो कैसे बचे? हम उसको सॉरी बोल रहे हैं, ठीक है भाई सॉरी, मुझे माफ कर दो, अगर उसे अटैक किया तो मैं रुकूंगा। अगर उसे नहीं अटैक किया, अगर वो मान गया सॉरी से, तो बहुत अच्छा है, आप अपनी फाइट से बच गए और आप अपने घर जा सकते हो सर्वाइव करके, है ना। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम सर्वाइव करें, सेल्फ प्रिजर्वेशन करें, सेल्फ डिफेंस करें। तो ये आपका सेमी पैसिव स्टांस हुआ। अब हमारा जो लास्ट स्टांस है वो होता है फाइटिंग स्टांस। इसके अंदर आपको पता है कि आप लड़ने वाले हो, कोई और ऑप्शन नहीं है, सब कुछ जा चुका है, आपने सॉरी बोल के देख लिया, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब तो आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो इसमें हम आते हैं फाइटिंग स्टांस, जिसमें हमारे हाथ ऊपर है, हमारे पैर वाइड है, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड राइट लेग बैक, आगे वाले लेग पे 60% वेट, पीछे वाले लेग पे 40% वेट, बैक की हमारी ऑफ है और हम इस स्टांस में खड़े हुए हैं। ये स्टांस का मतलब कि आप रेडी हो, जहां से आप किक कर सकते हो, जहां से आप पंच कर सकते हो, जहां से आप बाहर निकल सकते हो, जहां से आप जल्दी से मार के भाग भी सकते हो।